मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी क्विलिंग किट बनाओ, तो मैंने सोचा ठीक है बनाते हैं। और क्विलिंग किट में जो ऐसे लेसेस होते हैं तो वो मैंने कार्डशीट के बना के लिए है। आपके पास जितने भी कलर के कार्डशीट हो गए उसको आप ऐसे कट करके ले सकते हो। मैंने कार्डशीट ही कट किया है, आपको कोई भी दुकान में जाके इसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्विलिंग बनाने के लिए जो पिन जैसा लगता है उसके लिए मैंने एक डंडी ली है, उसको बीच में से थोड़ा सा कट करके लिया है, थोड़ा ही कट करना है हमको। उसके बाद नीचे उसको कवर करने के लिए मैंने कार्डशीट यूज़ किया है और अच्छे से उसका बेस बना के लिया है, आप देख सकते हैं, जिससे हम उसको पकड़ सकते हैं अच्छे से। तो कार्डशीट की हेल्प से इसको भी कवर करके लिया है। हमारे दो चीज़ें मैंने होममेड बना के दी है आपको। आपको बाकी चीज़ें होममेड बनानी होंगी तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं और एक वीडियो लेके आऊँगी क्विलिंग का स्पेशल वीडियो। तो ये भी हमने दोनों इंग्रेडिएंट्स हमने होममेड बना के लिए है। अब क्विलिंग किट बनाने के लिए मैंने इसमें ये ऐड किया है क्विलिंग बनाने का, और उसके बाद हमने जो होममेड बनाए थे दोनों भी वो भी ऐड करके लिए है। अब उसमें मैंने ये ईयरबड्स ऐड किए हैं और उसके बाद वो ऐड किया है क्विलिंग किट में। ग्लू भी यूज़ होता है, फेविकॉल भी यूज़ होता है, और ये दूसरा ग्लू भी क्विलिंग बनाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद कटर मैंने ऐड किया है, कटर भी लगता है। उसके बाद ब्रश ऐड किया है शेप देने के लिए क्विलिंग को। उसके बाद पेंसिल भी ऐड की है, पेंसिल जैसा भी हम शेप दे सकते हैं। मार्कर ऐड किया है, ये सभी चीज़ें मैंने शेप देने के लिए ऐड की है। और कैची भी ऐड की है मैंने। उसके बाद आइसक्रीम स्टिक ऐड की है शेप देने के लिए क्विलिंग बनाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की है और ये सब हमारे घर में अवेलेबल होती है। उसके बाद रबर बैंड यूज़ किया है मैंने। उसके बाद डबल साइडेड टेप और मास्किंग टेप मैंने इसमें यूज़ किया है, और हमारा सिंपल सा टेप भी यूज़ किया है। उसके बाद मैंने टूथपिक यूज़ किया है, ये भी बहुत ज़रूरी है शेप देने के लिए। तो ये सभी चीज़ें शेप देने के लिए यूज़ किए, बहुत सारी चीज़ें इसमें से। तो मैं एक क्विलिंग आपको बना के दिखाती हूँ कि ये वर्क करता है कि नहीं, क्योंकि ये होममेड बनाए हमने दोनों भी चीज़ें। तो मैंने इसमें ये अटैच किया बीच में और अच्छे से इसको राउंड राउंड किया, आप देख सकते हैं। आप बोलोगे कि दीदी आपने बना के नहीं दिखाया ये वर्क करता है कि नहीं, तो इसलिए आपको ये दिखा रही हूँ मैं। और क्विलिंग के और भी वीडियो आपको चाहिए होगे तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं इस तरह मैंने क्विलिंग का राउंड राउंड कर रही हूँ यहाँ पे, और फेविकॉल की हेल्प से इसको अटैच करके लिया है। अब थोड़ा सा उसको सूखने के बाद निकाल के लेना है, और क्विलिंग का आपको जैसा शेप चाहिए उसका आप दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी छोटी सी हमारी क्विलिंग रेडी हुई है। और आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें।